आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से SPD का न्यू पुस्तक रिवाइज योर सेल्फ पार्ट सेकंड का पेज बाई पेज प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्किमिडीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हार्डवेयर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलंबिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ENIAC, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये है सुमित, ऑप्शन ए। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। ये है राइट आंसर इसका बिट, ऑप्शन बी। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। एप्पल क्या है? एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मिस्र में, ऑप्शन ए। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये लेबोजियर को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण एंटी पार्टिकल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन ए। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीसा, ऑप्शन बी। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरेनियम डेंटिंग से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्राइटियम, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम के, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इथिलीन अणु की आकृति होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा समतल त्रिकोणीय के, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन इसका बी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। 18 का अपकरण हो जाएगा इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा सोरेनसन, ऑप्शन डी। दूध का पीएच मान होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 6.4, ऑप्शन बी। धुआं उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। वायु उदाहरण है राइट आंसर इसका हो जाएगा गैस का गैस में विलयन, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्षारीय विलयन के पीएच मान होता है सदा ही 7 से कम अम्ल हो जाएगा और 7 उदासीन रहता है। साधारण विलयन का पीएच मान होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 0 से 14, ऑप्शन इसका डी। वैद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नोड पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कैथोड पर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, LPG में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? LPG में ब्यूटेन होता है, ऑप्शन सी।
राइट आंसर इसका होगा, निम्न में से किस एक ईंधन मान अधिकतम होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन का ऑप्शन ए। भूरा कोयला ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा लिग्नाइट ऑप्शन बी। गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सीसा का ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 into 2H2O, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो मिलाई जाती है कार्बन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, राइट आंसर इसका हो जाएगा जिंक फॉस्फेट ऑप्शन डी।